हेलो फ्रेंड्स, पांच का पंचनामा मतलब कि आज हम करने वाले पांच रीजनिंग के क्वेश्चन का पंचनामा। क्वेश्चन नंबर एक, पहला क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन का दे रखा है, ए ऑप्शन भी दे रखा है आपको, ए वाई डब्ल्यू वी। तो मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन लिख दीजिए, आंसर की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। ये एक पे आता है, ये 25 पे, और ये 23 पे, और ये आ गया आपके 22। ठीक है, अगला आपको दे रखा है आई जी ई सी। ठीक है, आई जी आपको दे रखा है, तो आई आ गया आपके 9 पे, जी आ गया 7 पे, ई 5 पे, और सी 3 पे। ठीक है, वाई डब्ल्यू यू एस दे रखा है आपको। अब वाई डब्ल्यू यू एस पे देखिएगा क्या बैठ रहा है आपके, ये आ गया आपके 25 पे, तो ये आ गया 23 पे, और इसके बाद आपके ये आ गया 21 पे, और ये आ गया 19 पे। ठीक है, इधर की बात करूं, Q 17 पे, O 15 पे, M 13 पे, S 19 पे, सॉरी यहाँ K दे रखा है, और ये क्या आ गया आपका 11 पे। अब देखिएगा क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो का डिफरेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, यहाँ पे दो का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में भी दो का डिफरेंस है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी दो का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी दो का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 17 और 15 में भी दो का डिफरेंस है, और 13 और 11 में भी दो का डिफरेंस है। तो किस में डिफरेंस कम ज़्यादा का हुआ फर्क, वो ए में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाई डब्ल्यू वी। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो आपको दे रखा है, वो डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मैंने कहा था कि जैसे ये पाँच आ जाए तो जो कॉमन कॉमन है उन्हें काट दीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है, पी एल ए, देखिए तीनों में कॉमन है, इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब अगर बात करें तो कौन सा सबसे पहले आ रहा है, यहाँ तो टी आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एस एस एस। तो टी एन एस में सबसे पहले कौन सा आएगा, एन सबसे पहले आएगा। तो दो नंबर को अपन ने यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद में अब इसको काट दीजिए क्योंकि ये हो गया है। अब एस पहले आता है कि टी पहले आता है, एस पहले आता है, लेकिन एस हमें तीन तीन दे रखे हैं। तो एस टी आ रहा है, यहाँ भी एस टी आ रहा है, और देखिएगा यहाँ पे एस एम आ रहा है। तो एम क्या है, टी से पहले आ जाता है, तो ये वाला और आ जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हम उन ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं, और ऑप्शंस ज़्यादा आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर पे पहुँचेंगे। तो अगर मैं बात करूँ सी में, तो दो और चार दे रखें, बाकी किसी में भी दो और चार नहीं दे रखें। तो दो और चार तक तो हमने सही बिठाएं, तो अगला जो बैठेगा वो सारे ही सही बैठेगा। तो अगला आपको दे रखा है 2 4 3 5 1, उसके बाद आ जाएगा 3, ये वाला, और इसके बाद 5, और इसके बाद 1। तो ये आपका सही आंसर होगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बोल रखा है इसने, डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन टेस्ट का आपका परीक्षण लिया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे एक बार आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, लास्ट में जो पूछा गया है डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो देखिए दक्षिण की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये ए बिंदु है और दक्षिण क्या होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और कितना चलिए, 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि फिर ये दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। अब देखिए जब अगर मुख इस तरफ है दक्षिण की तरफ, तो दायां हमारा उल्टा हो जाता है, जो हमारा बायां दिख रहा है। तो देखिएगा मेरा बायां अगर इस तरफ है तो ये इसका दायां हो जाएगा, और कितना चला है, 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सॉरी यहाँ से 25 किलोमीटर चली हो। अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। अब अगर मुख इस तरफ है तो दाएं किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और यहां से 20 किलोमीटर। अब देखिएगा पूर्व दिशा में, और सबसे लास्ट में पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये आपके पूर्व है, और इस तरफ आ गई पश्चिम दिशा। ठीक है, अब पूर्व दिशा की तरफ भगा दीजिए इसको, और ये कितना चलिए, 5 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है आपसे कि बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, प्रारंभिक बिंदु आपका ये है। अब देखिएगा यहाँ से 20 है और यहाँ से भी 20 है, तो ये दोनों तो डिस्टेंस इक्वल है। बस यहाँ से चली थी यहाँ पे, फिर यहाँ से 25 किलोमीटर चली, और यहाँ से 20 किलोमीटर, तो ये दोनों तो डिस्टेंस इक्वल है। अगर इन दोनों की बात करूँ तो ये कितना है, 25 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर वो चल चुकी है, तो बच गया कितना, ये जो बच गया 25 - 5 मतलब कि 20 किलोमीटर। तो ये जो B पॉइंट से और A पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार में आपको दे रखा है ब्लड रिलेशन का है, और
पहली लाइन ये बोल रही है कि एक्स वाई की बहन है। तो देखिएगा पहले भी अपन बताया कि भाई ड्रॉ करते जाइए, तो ये वाई आ गया और ये बहन है, ठीक है, एक्स की, यहाँ पे मैंने बहन लिख दिया। अब देखिए जिसका जेंडर आपको पता लग रहा है उधर आप माइनस और प्लस के निशान लगाते जाइए। एक्स बहन है तो क्या होगी, फीमेल ही होगी, बहन है तो फीमेल होगी ना, तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस प्लस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर जब लास्ट में हमसे कुछ पूछता है तो हम आंसर दे सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर जेंडर पता होता है तब, जेंडर पता ना हो तो आंसर या में आता है हमेशा, तो इसलिए जेंडर लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वाई भाई है जेड का, वाई जो है भाई है जेड का, तो वाई कौन हो गया, प्लस मतलब कि मेल हो गया, और ये कौन है, भाई है। आगे ये बोल रहे हैं जेड पति है पी का, तो जेड ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पति है पी का और जेड भी क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि हाँ आगे क्या बोल रहा है, ओ पिता है वाई का, ओ जो है यहाँ पे ओ आ जाएगा, और ये कौन है, पिता है किसका है, वाई का। अब अगर ये वाई का पिता है तो ये एक्स का भी पिता होगा और जेड का भी पिता होगा, क्योंकि देखिएगा ये भाई है और ये बहन है, आराम से समझ में आ रहा है ना। अब पूछा हमसे क्या गया है कि पी का रिलेशन ओ से क्या है, ठीक है, पी का जो है वो ओ से रिलेशन, तो भाई बेटे की पत्नी कौन होती है, पुत्र वधू, तो आंसर सीधा आ जाएगा आपके डी, डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपको नंबर्स दे रखे हैं और बीच बीच में स्पेस दे रखा है, और उन स्पेस में वो आपको बोला है कि ऑप्शंस में से ऐसे कौन से सिंबल रखें कि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो देखिए इसकी वजह से तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं जब तक आपका आंसर ना आए, बट फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक ये बैठ सकती है कि सिंबल्स वही रखिए जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा कि भाई भाग अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो आठ का भाग तीन में नहीं जा पाएगा, पॉइंटों में आएगा, ठीक है, अगर भाग मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन आपको ऐसे ही उठाने जहाँ पे जैसे ये यहाँ पे भाग आ सकता है और यहाँ पे भाग आ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन उठाने। पहले ऑप्शन को देखते अपन, आपको दे रखा गुणा पहले दे रखा है, तो मैंने गुणा रख दिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरे पे आपको दे रखा है प्लस, दे रखा है प्लस रख दिया, उसके बाद दे रखा है आपको माइनस, और उसके बाद भाग ये दे रखा है, तो बोर्ड मार्क से सॉल्व हो जाएगा ये, और यहाँ पर पहले आ गया पाँच गुणा तीन प्लस आठ माइनस, ये कितना आ जाएगा, दो, ठीक है, यहाँ से गुणा कर दिया, पंद्रह प्लस आठ माइनस दो, पंद्रह और आठ तेईस, तेईस में दो हो गया इक्कीस, तो ए ऑप्शन रखते ही हमारा ऑप्शन पूरा पूरा ये इक्वेशन जो है इक्वल बैठ रहा है और आंसर आ रहा है।